छत्तीसगढ़ राज्य की आराध्य माता बम्लेश्वरी देवी जो राजनंद गांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में विराजती है। माँ बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास तो वैसे काफी प्राचीन है। बात की जाए माँ बम्लेश्वरी मंदिर के संचालन की तो यहाँ एक पब्लिक ट्रस्ट की ओर से संचालित किया जाता है, जिसका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में संपन्न होता है। पिछले दिनों कोरोना काल के चलते मंदिर ट्रस्ट का चुनाव टलता रहा, जिसके बाद अब ट्रस्ट के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया है। जहां 22 जून को मतदान किया जाएगा तो वहीं मतगणना 23 जून को संपन्न होगी। मतदान के तारीख के ऐलान के बाद अब मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है। मां बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के चुनाव में 2 पैनलों के बीच चुनाव होता है, जिसमें एक पैनल को भैया जी पैनल तो वहीं दूसरे पैनल को नटवर भाई पैनल के नाम से जाना जाता है। वहीं बात की जाए सदस्यों की तो मंदिर ट्रस्ट में सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें संरक्षक श्रेणी, आजीवन श्रेणी और सामान्य श्रेणी शामिल है। कुल 15 ट्रस्टी मंदिर ट्रस्ट के चुनाव में जीत कर आते हैं, जिसके बाद जिस भी पैनल को बहुत मत मिलता है वह पैनल आगामी 3 वर्ष तक माता के मंदिर की सेवा करता है और मंदिर विकास के लिए कार्य करता है। श्री बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति का जो निर्वाचन है वो 22 तारीख को होना है और 23 तारीख को मतगणना होगी। इस संबंध में कल नीचे बम्लेश्वरी मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निर्वाचन संबंधी नियमों को जो है वो पारित किया गया है प्रस्ताव उसका, जिसमें पूर्व के समय में 30 वर्ष के ही उम्मीदवार जो है उसमें चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब उसको हम लोगों ने 25 कर दिया है, जिससे साधारण श्रेणी में काफ़ी युवा सदस्य बने हैं तो उनको मौका मिले इसलिए 25 वर्ष कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो नामांकन शुल्क रखा गया था पहले जो 11,000 रुपये वापसी योग्य नहीं था, उसको हम लोगों ने जो है अमानत राशि के तौर पे उम्मीदवार को 5,000 रुपये की राशि जो है जमा करनी होगी और कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त होने पर वो राशि जो है वापसी योग्य होगी और कम रहेगा तो वो राशि ट्रस्ट के कोष में समाहित होगी। संरक्षक श्रेणी, आजीवन श्रेणी और साधारण श्रेणी के सभी सदस्यों की प्रारंभिक सूची का प्रकाशन जो है वो नीचे मंदिर ऑफिस कार्यालय में कर दिया गया है और कल उसमें 10 से 12 और 2 से 4 दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी, जिसमें ट्रस्ट मंडल के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि अगर मान लो किसी को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है तो उन्हें स्वयं उपस्थित होना होगा और साथ में राजस्व अभिलेख और मकान के पेपर्स वगैरह जो है वो उनको खुद को जमा करने होंगे और उसका निराकरण उसके दूसरे दिन होगा 12 बजे और उसके बाद शाम 4 बजे तक जो है अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हम उसमें अंतिम प्रकाशन होने के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसमें कुल सदस्यों की संख्या क्या है।